बिछड़ना है तो खुशी से बिछड़ो सवाल कैसे जवाब छोड़ो किसे मिली है जहां में खुशियाँ मिले हैं किसको अजाब छोड़ो नए सफ़र पे जो चल पड़े हो मुझे ख़बर है कि खुश बड़े हो ये कौन उजड़ा तुम्हारे पीछे ये किसके टूटे हैं खाब छोड़ो मोहब्बतों के तमाम वादे निभाए किसने भुलाए किसने तुम्हें पशेमानी होगी जाना जो मेरी मानो हिसाब छोड़ो रहमतुल्लाहि व बरकातहू सुबह सुबह का टाइम है और चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और दूर कहीं से मुझे एक मुर्गे की भी आवाज़ आ रही है जो बांग दे रहा है और जो कह रहा है कि उठ जाओ उठ जाओ, जाओ सोने वालों जो सोता है वो खोता है तो जनाब हम कितना खो रहे हैं और कितना पा रहे हैं ज़िंदगी में ये सब जानते हैं हर इंसान को अपना पता होता है कि वो क्या खो रहा है और कितना खो रहा है और क्या पा रहा है और कितना पा रहा है हम लोग कभी कभी आंखें जो है ना बंद कर लेते हैं कबूतर की तरह लेकिन हमें पता होता है तो पता रखिए पता रखिए हिसाब रखिए हिसाब किताब तो होते ही हैं <laughs> हिसाब छोड़े कहाँ जा सकते हैं हिसाब तो जिंदगी के साथ और मौत के बाद भी चलते रहते हैं हिसाब किताब ख़त्म नहीं होता इंसान ख़त्म हो जाता है इंसान इस दुनिया से चला जाता है लेकिन बात के मसले मसाइल भी रहते हैं वो भी हिसाब किताब है ना एक तो उसका हिसाब किताब होता है ऊपर जाके और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें तो बात यह है कि जो मैं आज बात करना चाह रही हूँ बड़ी मेरी तरफ़ से तो बड़ी इम्पॉटेंट बात है और मेरी उम्र के लोगों के लिए बल्कि सारी उम्र के लोगों के लिए बड़ी इम्पॉटेंट है तो पूरी वीडियो देखिएगा कोशिश करूँगी मैं कि तमाम बातों का अहाता कर सकूँ जो मेरे जहन में इस वक्त आ रही हैं बात यह है कि मेरी जो है ना बेटी जैनब उसके सुसर फौत हो गए अब कुछ महीने हो गए छः महीने सात महीने हो गए हैं सारे बच्चे बाहर हैं सारे बच्चे बाहर हैं उनकी माँ अब अकेली रह गई है बीमार थे बड़े अरसे से बीमार थे और मसले चल रहे थे और उनको भी पता था कि अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया अब इंसान को पता हो तो कितना मुश्किल होता है तो ये तो जिस पे गुज़रती है जिस इंसान पे वही जान सकता है ना? ये तो हम नहीं जान सकते तो उनको सब कहते थे कि आप नुशहरा से शिफ्ट हो जाएँ पिशावर में उनका एक आर्मी का घर था कि वहाँ चले जाएँ और वहाँ पर उनकी अम्मी हैं उनके भाई हैं तो ज़रा अच्छा रहेगा बहरहाल बहुत बीमार हो गए और अल्लाह ताला के पास चले गए लेकिन मेन मसला अब यह है कि वो तो चले गए बहुत मुश्किल देखी उनकी बीवी ने उनका बहुत बहुत साथ दिया ये बीवियाँ ही होती हैं जो आखिर में साथ देती हैं या फिर मियाँ होते हैं जो आखिर में साथ देते हैं ना जो साथ देने वाले होते हैं तो उन्होंने बहुत साथ दिया और बहुत प्यार था और बड़े प्यार से उन्होंने ये घर बनाया था तो अब यह है कि वो कहती है मैंने बच्चों के पास तो जाना नहीं है बच्चे सारे बाहर के मुल्क में हैं ऑस्ट्रेलिया में हैं और अमेरिका में हैं तो अब यह है कि वो इस घर को वाइंड अप कर रही हैं जो इतने प्यार से घर बनाया था उसको वाइंड अप करके उसको बंद करके अब उन्होंने जो दूसरा घर है जो कि इस घर से छोटा है कहने को वो भी मुनासिब घर है लेकिन इस घर से छोटा है तो अब वो सामान पैक कर रही हैं सामान बंद कर रही हैं और उस घर को ठीक कर रही हैं जो घर उन्होंने किराए पे दिया हुआ था पहले वो बड़ा मसला पड़ा रहा कि वो किराएदार खाली नहीं कर रहे थे फिर उन्होंने बड़े बुरे हाल में किराएदारों ने घर छोड़ा फिर उन्होंने उनको ठीक कराया आप ख़ुद अकेली हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है कई हमारे जो बियाज होते हैं वो बीवियों को इतना कुछ नहीं बताते या बीमियाँ भी थोड़ी नहीं सीखती वो मियाँ के साथ ही चलती रहती हैं और फिर बाद में मुश्किल पड़ती है तो इनके साथ भी यही हुआ कभी बैंक नहीं गई कभी कोई ऐसे काम नहीं किए तो अब सारा कुछ जो है बच्चे आते हैं वक्फे वक्फे से सारे बच्चे आते रहे अभी शहाब भी आया था वो आया उनके लिए कुछ थोड़े से काम कराए वो घर ठीक कराया कुछ सामान शिफ्ट करा दिया है तो रास्ता उनको बता दिया है और जो जो काम वो कर सकता था वो करके गया है अब दूसरा बेटा आएगा तो ये सब सिलसिला तो चलता रहेगा लेकिन माँ तो अकेली है ना अब तो सब कुछ उनको खुद ही करना है उनको खुद ही मैनेज करना है तो कहती है मैंने ने कहा कि जाओ मुझे करने दो तो मैनेज मैं करूँगी तो मेरी उनसे बात हुई तो मैं जो हूँ ना उनसे फिर रबता रखती हूँ मुझे पता है कि वो अकेली हैं उन पर क्या गुजर रही होगी बड़ा मेरा दिल जो है कि कभी कभी उदास हो जाता है उनके लिए बड़ी बहादुर ख़ातून है माशाल्लाह शगुफ्ता और कमर भाई जो थे वो अक्सर शगुफ्ता को बताते रहते थे और मुझे भी बताते रहते थे कि वीडियो बनाएं सीमी भाभी को कह दें इस चीज़ पे वीडियो बनाएं फाइशी बहुत हो गई है इस चीज़ पे वीडियो बनाएं ये मेहमान आ, आ के तंग करते हैं इन पे वीडियो बनाएं बड़े बीमार थे तो लोग आ के जो है तो आपको पता है हमारे यहाँ तो ये दस्तूर है कि आए ज़रूर जी जाके पता करना है फिर वहाँ बैठ भी जाते हैं फिर घर वालों को मुश्किल पड़ती है कई दफ़ा कोई काम वाला होता है कई दफ़ा कोई हेल्पर नहीं होता आप बीमार हैं आप अस्पताल से आए हैं तो मुश्किल पड़ती है तो हम लोग जाके बैठ जाते हैं हाल चाल पूछने तो उन्होंने कहा था कि इस पर भी वीडियो बनाएं तो मैंने वीडियोस बनाई थी उनके कहने पे अब तो वो चले गए अल्लाह ताला उनको फिरदौस में जगह दे बड़े ही अच्छे और प्यारे भाई थे हमारे तो मसला तो अब ये है ना कि जब वो बीवी रह गई है पीछे स्वीट तो वो मैंने उससे बात हुई परसों मैंने उन्हें फ़ोन किया मैंने कहा कि मैं हाल चाल पूछूं क्या कर रही हैं मैं इतनी दूर हूँ मैं कोई ख़दमत तो कर नहीं सकती तो बातचीत से ही चलें किसी का दिल खुश कर दें किसी से दो अच्छी बातें कर लें कोई मशवरा दे दें या वैसी बात कर लें क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी नहीं होता कोई फौत हो जाता है तो बस एक दफ़ा उसका हाल चाल पूछ लिया या उसके घर जाके थोड़ी देर के लिए ताज़ियत कर ली एंड दैट्स इट उसके बाद वो कहते हैं ना कि मालूमात नहीं रखते हम तो फिर मैंने फ़ोन किया मैंने उनसे पूछा क्या कर रही हैं तो कहती हैं कि सीमी मैं तो बड़ी मुश्किल में हूँ इतना सामान घर पे पड़ा है इतना सामान है और मैं उनको डिस्पोज ऑफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ और सामान निकलता चला आ रहा है अभी मैंने दो ट्रक भेज दिए हैं उस घर में अब उस घर में तो और जगह है नहीं और ये घर भी हमने जाहिर है बेचना है क्योंकि यहाँ पर रहना नहीं है तो फिर इसको भी बेचना है तो मसला ये है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम लोग कितना सामान इकट्ठा कर लेते हैं अब वो कहती हैं कि अब जाहिर है वो ए सीज़ आ गए हैं जो गर्म भी करते हैं ठंडा भी करते हैं तो कहती है कि अब अलमारियों से और स्टोरों से इतने सारे हीटर्स निकल आए हैं वो पड़े हुए हैं डस्टबिन कहती है जो कि बचा जाता था डस्टबिन ले आता था कहती है, मेरी तो इतनी आदत नहीं है हर जगह जगह पे डस्टबिन रखने की मैं बस जहाँ जहाँ रखती हूँ वहीं पर रखती हूँ तो ये लोग जो हैं तो बाथरूमों में भी रखते हैं बाथरूम के बाहर भी रखते हैं <laughs> तो बच्चों के अपने ख्याल होते हैं ना बच्चे जो हैं तो वो अपनी तरह से ज़िंदगी जीते हैं फिर कहती है कि कमर भाई बीमार थे तो कहती है कि मेरी बेटी आई तो वो खूब सारे जो है ना फाइल कवर्स ले आई और रैक्स ले आई कि इसमें अब की दवायाँ सेट करके रखें अब इसमें जो है इनके कागजात अलग अलग करके रखें तो हम लोग जो होते हैं ना इस उम्र के लोग हम अपने तरीके पे चल रहे होते हैं हमें इतनी चीजों की ज़रूरत नहीं होती इसलिए मैंने अपने बच्चों को कहा भाई बिल्कुल चीजें ना लेके आना मुझे किसी चीज की ज़रूरत नहीं है घर भरा पड़ा है तो चीज़ें ला ला के हम फिर रख दें तो बच्चों का प्यार होता है बच्चे समझते हैं कि वो खुद तो है नहीं लेकिन चलो उनका प्यार यही है कि चीज़ें ला के दे दें चीज़ें 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 नहीं चाहिए होती हमें हमें इस उम्र में चीज़ें नहीं चाहिए बल्कि किसी उम्र में भी इतनी चीज़ें नहीं चाहिए होती है ना ये चिड़िया भी कह रही है अच्छी है अच्छी बात कर रही है ये चिड़िया लोग अच्छे हैं <laughs> कोई ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होती है ना सुबह उठते हैं अल्लाह के आसरे पे जाते हैं खाते पीते हैं ले आते हैं जितना खा रहे हैं अगले दिन फिर अल्लाह ताला उनको दे देता है ये तो हम इंसान हैं जो चीजें जमा करते चले जाते हैं चम... और उसके बाद हम ये समझते हैं कि दूसरे से प्यार का इजहार चीजें हैं तो कहती है जगह जगह पे डस्टबिन निकलना है इतने डस्टबिन है कहती है मैं सामने बैठी हूँ फिर वो कोई चिप्स फ्राई करने की चीज़ है कोई फलानी चीज फ्राई करने की चीज है फ्राई 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 कहती है हम तो फ्राई चीजें खाते ही नहीं है बस इसी तरह कहती है इतना सामान है कहती है शादियाँ हुई थी उनके दोनों बेटे की मन जब जैनब की शादी हुई थी कपड़े लिए थे और वो पठान है तो कहती है उन्होंने तो उस वक्त महदियों के लिए कपड़े ले लिए वो खुसे और जो है हम लोग कुर्ते पहनते हैं कलर नीचे वाइट शलवारें पहनते हैं तो हमारे पठानों में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते कहती है उन्होंने उस वक्त मेहंदी के लिए ले लिए अब सारों ने तय लगा के सारे कपड़े शादियों के जो भी इस्तेमाल किए हुए अब वो नहीं इस्तेमाल कर रहे और वो यहाँ पर अलमारी में भरे पड़े हुए हैं तो बहरहाल वो ये कह रही थी कहने का मकसद ये था कि मैं कहती थक जाती हूँ मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं है जितनी मैं कोशिश कर रही हूँ मैं कर रही हूँ मैंने लोग जो है मेरे हमसाए में, में भी में दी है। मैंने बेड्स बांट दिए हैं मैंने कहा ये ले जाएं आप, आप, आप मुझे ये भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए अभी इन चीज़ों का मैं क्या करूँ तो जो भी मेरे काम वाले हैं उनको मैं दे रही हूँ कि ले जाओ ये भी ले जाओ ये भी ले जाओ इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि साथ वालों ने अपने गिराज में कोई जो है ना मैंने कहा कि इधर रख लो फिर जो मर्ज़ी करते फिर उनका तो चीज़ें कितनी चाहिए होती हैं हम लोगों को इतनी चीज़ें नहीं चाहिए होती और ख़ास तौर पर इस उम्र में फिर हमें उनको ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है तो बच्चों जो लोग अब बाहर से आते हो हमें चीज़ें नहीं चाहिए होती हमें सिर्फ प्यार मोहब्बत चाहिए हमें मुलाकातें चाहिए <laughs> तो वो ऐसे बात कर रही थी कहती है कि मुझे टेंशन होनी शुरू हो गई है कहती है मुझे जो है ना अभी शाम को ये सारा कुछ देख के मुझे इतनी शदीद ठंड लगी कि मैंने स्वेटर पहन लिया हालांकि स्वेटर का मौसम अब रह नहीं गया और फिर मैंने कुछ खाया पिया मैंने कहा कुछ खाओ पियो एक तो वैसी बेचारी परेशान ज़ाहिर है जब मियाँ चला जाते हैं आप अकेले रह जाते हो सौ ख्याल आते हैं सौ ख्याल आते हैं वक्फे वक्फे से कहती मैं उदास हो जाती हूँ उस कमरे में जाती हूँ मैं वॉलमारी खोलती हूँ फिर मैं वालमारी बंद कर देती हूँ और उनके कपड़े पड़े हुए हैं उनकी इतनी चीज़ें उनकी भी पड़ी हुई हैं वो भी मैं सारी निकाल रही हूँ तो एक तो दुख एक तो जो है ना अफसोस कि इतनी बीमारी में साथ दिया एक तो वो जो सारी बीमारी उन्होंने देखी है वो जिस ट्रॉमा से गुजरी है ना एक ये कितना मुश्किल है आ, हम लोग समझते हैं ना कि जब किसी के साथ किसी बीमार के साथ कोई टाइम गुजारता है और बड़ी शदीद बीमारी में और आखिरी वक्त में वो इनके पास थी और कोई नहीं था काम वाला भी नहीं था मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें बताया था कि जिस वक्त वो फौत हुए हैं उससे थोड़ी देर पहले मैंने उनको फ़ोन किया बड़ा सैलाब आया हुआ था नौशहरा में तो मुझे बड़ी परेशानी थी मैंने कहा पता नहीं इनके घर में क्या हो रहा होगा ये कहाँ पर हैं कितना को पानी आया है तो मैंने इनको फ़ोन किया तो बड़ी परेशान थी कहती है कि, कि कमर साहब परेशान है कि मुझे अगर इस वक्त कुछ हो गया तो सी में भी पानी है हर जगह पर पानी है तो क्या होगा और फिर वही हुआ कहती है आपने फ़ोन बंद किया कहती मेरे साथ ही बैठे हुए थे बातचीत कर रहे थे हम लोग तो मैंने उन्हें कहा है कि जब आ, कोई बात कर रही हूँ मैं फ़ोन पे तो टीवी को ना म्यूट कर दिया करें तो कहती है म्यूट करके मेरे साथ ही बैठे हुए थे तो उनको थोड़ी देर बाद कहती है कि बस उठे जब तुमने फ़ोन बंद किया और नमाज के लिए उठे और नमाज के लिए उठे और बस कहते हैं मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और लेट गए हैं और ये उनके पास थी अब ये देखें ये ट्रामा वो कहने लगी मुझे सांस नहीं आता घर में कोई नहीं है इवन काम वाला भी नहीं है फिर कहती मैं भागी मैंने साथ वालों को बुलाया फिर भाग के उनको लेके गए सैलाब के टाइम का ये बात है और बड़ी मुश्किल रही और वहाँ पर गए और वहाँ पर चीज़ें नहीं थी इक्विपमेंट्स बंद पड़े हुए थे और कहती वहाँ पर भी काफ़ी टाइम गुजरा और उसके बाद सफात हो गए कहती है कि मेरे साथ थे और मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था और ट्रॉमा मैं ट्रॉमा की बात कर रही हूँ केली उनके साथ थी अक्सर कहती थी आज वो कह रहे हैं मुझे सांस नहीं आ रहा आज उनको ये हो रहा है तो मैं उनके साथ रबता रखती थी ये रबते कितने ज़रूरी होते हैं एक तो बात इम्पोर्टेंट मैं ये करना चाहती हूँ कि रबता रखिए कोई बीमार हो जाता है कोई फौत हो जाता है फॉलो अप रखिए फॉलो अप बहुत ज़रूरी है वो तो चले गए लेकिन जो हम रह गए हैं हमारा फ़र्ज नहीं बनता हमारा फ़र्ज़ बनता है इसकी भी पूछ के है अल्लाह ताला ने पूछना है तुमने मेरे बंदे का कितना ख्याल रखा वो अकेला था तुमने साथ दिया तुमने मेरा साथ दिया तो बंदा पूछेगा मैं तो आपका साथ देता था नहीं तो तुमने उस बंदे का जो साथ नहीं दिया था तो तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो हम लोग साथ नहीं देते तो वो ट्रॉमा से गुज़री इतने बुरे हालात से गुजरी फिर कहती है वो फौत हो गई कोई भी नहीं था वो फौत हो गए और फिर मैं घर लेके आई और फिर आगे की कहानी बस दर्दनाक और अफसरदा कर देने वाली है लेकिन ये ज़िंदगी है ज़िंदगी में आपके सामने आपके लोग चले जाते हैं है ना ये ट्रामाज है और फिर ये ट्रामास रह जाते हैं और ये ट्रामा से गुजरी इतनी लंबी बीमारी देखी और आखिरी वक्त में फिर सैलाब आए हुए थे फिर कहती है मेन एक गेट था जहाँ से हम जाते थे वो बंद था फिर कैसे जनाजा हुआ फिर मैं उनसे बात करती हूँ लंबी बात करती हूँ और वो भी मुझे बताती हैं ऐसा कोई होना चाहिए जो आपके साथ बातें शेयर कर सके आप ऐसा बने जो आपके साथ दूसरा बात शेयर कर सके ऐसा ना बने कि साइड पे ही हो जाए कोई भी आपका अपना चला जाता है ज़िंदगी से तो ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है कुछ लोग इस ट्रामे से निकल जाते हैं बज़ाहिर क्योंकि उन्होंने दुनिया में रहना होता है अब दुनिया तो चलती रहती है काम तो चलते रहते हैं तो ये सब कुछ तो चलता रहेगा लेकिन बात ये है कि ये ट्रामाज असर करते हैं दिमाग पे भी फिर मैंने उसे कहा जल्दी से खाना खाओ कुछ खाओ कहती मैंने खा लिया मैंने अंडा खाया फिर मैंने और रोटी बनाई और साथ में गरम गरम चाय पी है तो अब मैं थोड़ी सी सुकून से हूँ लेकिन कहती मुझे रात को नींद नहीं आती मुझे परेशानी रहती है मेरी टेंशन रहती है दिमाग में अब देखिए माँ हम लोग जब अभी मैं, मैं भी हूँ तो यही करूँ कि बच्चों के पास नहीं जाना हमने बच्चों के पास जाके नहीं रहना हमने अपने मुल्क में रहना है हमने अपने घर में रहना है हमने अपने माहौल में अपने सराउंडिंग्स में रहना है हमने ऐसी जगह पे रहना है जहाँ हमें अजान सुनाई देती है वट एवर द रीज़न किसी की कोई भी वजह हो सकती है है ना बस हमने नहीं जाना हमारा दिल अपने घर में लगता है हम अकेले रह लेंगे हम किसी के साथ रह लेंगे तो वो भी यही कहती है जैसे हम लोग बुजुर्ग कई दफ़ा कहते हैं बच्चे कहते हैं कि आए आप आए, आए आप कल मेरी मुमानी है उनसे बात हो रही थी कहती मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि आओ टिकट तक ले देते हैं तो मैं कहती हूँ नहीं मैंने नहीं जाना एक तो ये है कि हम बीमार हैं वहाँ जाके हम उनके ऊपर बोझ बन जाए वहाँ हमें कुछ हो जाए तो उनको अलग मसला है ना हम माएँ ये भी सोचती हैं ना कि हम बच्चों को तकलीफ़ ना दें तो वो तो चले गए हमें छोड़ के चले कोई नहीं ये जो कमर साहब है ना मुझे गुफ्ता बताती थी कि लिटरली रोते थे आंसू आ जाते थे उनकी आंखों में कि बच्चे सारे चले गए एक छोटा बेटा था पहले वो भी चला गया अच्छी वाली जॉब थी लेकिन चले गए उड़ गए फुर से बस दिल करता है शायद बच्चों का कि हम लोग वहां जाके कोई पता नहीं क्या कर लेंगे तो अपने मुल्क में जो पढ़ ना सके अपने मुल्क में जो जॉब कर ना सके तो वो दूसरों के मुल्क में जाके क्या करेगा तो पैसा कमाना है बस सिर्फ पैसे के लिए जा रहे हैं तो रिश्ते नहीं कमाने रिश्तों को छोड़ देना है तो बस बात ये हो रही थी कि अब वो इकट्ठा कर रही हैं चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दे रही हैं कुछ चीज़ें कहती बिल्कुल नई नई पड़ी हैं कुछ समझ नहीं आ रही कि इनको मैं दूँ ना दूँ बच्चे तो चले गए हैं बच्चों की सामान भी पड़ा हुआ है तो हम लोग ऐसी चीज़ें ना करें हम अपने सामान अपने साथ ही रखें <laughs> और जो देने वाले हैं वो दे दें ये टाइम तो किसी पे भी आ सकता है ना कितनी मुश्किल पड़ती है और दूसरा ये कि दूसरों का साथ दें और ज़रूर साथ दें ये साथ देना बड़ा ज़रूरी है और साथ जो है ना देने वाला ही याद रहता है जो साथ नहीं देता तो फिर याद भी वो लोग नहीं रहते तो लोगों के साथ रबते बहुत ज़रूरी हैं रातों के बगैर जिंदगी गुजर नहीं सकती रमज़ान आ रहा है कोशिश कीजिए मालूम कीजिए कि कौन कौन चला गया है और किस किस को आपकी ज़रूरत है और ऐसे लोग भी होंगे जिनको पैसे की ज़रूरत होगी है ना तो ज़रूरत देख के दूसरे की मदद करनी चाहिए और ज़रूरत देख के दूसरे का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि याद यही रह जाता है, है ना अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे हम सबके लिए आसानियाँ करें हम आसानियाँ देंगे हमारे लिए आसानियाँ होंगी ज़रूर है ना तो ये देखिए हमारे परिंदे भी कह रहे हैं कि हाँ आसानियाँ दें इनको भी आसानियाँ दें इनके लिए भी खाना पीना रखें इनको भी खुश रखें फिर ये खुश रहते हैं तो हम खुश रहते हैं ये भी दुआ करते हैं हमारे लिए है ना ये फूल पौधे भी हमारे लिए दुआ करते हैं ये देखिए कितने प्यारे फूल निकल आए हैं खूबसूरत तो खूबसूरत मौसम में ख़ूबसूरत फूलों के साथ बैठ के कुछ ख़ूबसूरत बातें सोचिए भी ऐसे माहौल में बातें भी अच्छी याद आती हैं ख्यालात भी अच्छे आते हैं एक नहायत ख़ूबसूरत जहाज़ सुबह सुबह कोई बाहर से आया होगा एयरपोर्ट पे किसी के माँ बाप खड़े होंगे इस वक्त इंतज़ार में पता नहीं जहाज़ लेट आया है टाइम पे आया है लेकिन आ तो गया घर में एक मज़ेदार सा खाना माँ ने बनाया होगा है ना बाप ने गाड़ी में सामान रखने के लिए जगह बनाई होगी इंतज़ार जिंदगी इंतज़ार है किसी न किसी का इंतज़ार है जो चला गया उससे मिलने का इंतज़ार है कि कब हम जाएंगे अल्लाह ताला के पास और जाके अपने प्यारों से मिलेंगे प्यारे बहुत प्यारे होते हैं जब चले जाते हैं तो और ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए तो बस ख्याल रखिए एक दूसरे का ख्याल रखिए अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे अल्लाह ताला सब पे रहम करे तो सामान कम से कम लें और सामान निकालते चले जाए साथ साथ अभी मैंने अपनी सर्दियों के इतने सारे कपड़े निकाले हैं ना दो तीन बोरियां भर के लिटरली बोरियां भर के क्योंकि मैंने स्वेटर भी रखे हुए थे मैंने कपड़े भी रखे हुए थे आ, कुछ कपड़े नहीं पहनती थी तो भी रखे हुए थे कि ये अच्छे हैं कुछ स्वेटर पुराने हो गए थे लेकिन अच्छे लग रहे थे तो वो भी रखे हुए थे मैंने सारे निकाल दिए मैंने कहा पता तो कोई है नहीं है ना इंसान का क्या पता है अभी हम देखते रहते हैं आज वो गया कल वो गया तो मैंने सारा कुछ निकाला और मैंने इतनी बड़ी बड़ी दो तीन बोरियाँ बनाई और मैंने दे दी भला हो जाएगा किसी का हु? हम लोग तो नए बना लेते हैं तो वो पुराने भी रखे रखते हैं नए भी रखे रखते हैं तो आज ऐसे करें जैसे ही मेरी बात आपके कान में पड़े आई होप आपने यहाँ तक वीडियो देख ली हो है तो ये अच्छी बातें सब्सक्राइब भी मुझे कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए ये अच्छी बातें है ना ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों तक ये बात पहुँचे है ना अच्छी बात पहुँचे कहीं भी तो अच्छा है और मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि कोई अच्छी बात आपको बताऊँ जिससे कोई फ़ायदा हो <laughs> आप कहेंगे अच्छी बात कहती है <laughs> मैं कोशिश यही करती हूँ कि कोई ऐसी बात हो ज़िंदगी से लोगों के हालात से अपनों से जो कुछ मुझे मिलता है और कोई सबक भी मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बस मेरा काम ये है अब रह गया <laughs> <laughs> सारे लोग तो बच्चे बुच्चे उड़ के चले गए सारे है ना तो बस अब ये चिड़ियाए तोते हैं ना हमारे लिए ये फूल हैं ना हमारे लिए ये आसमान और ये परिंदे हैं ना हमारे लिए जी हाँ तो बस अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे अल्लाह ताला हमारे रमज़ान को बाबरकत बनाए दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा ज़ीमिन रज़ी बिस्मिल रहीम एल्ला मैं तेरी पनाह मांगती हूँ आजी और सुस्ती से बुजदिली और बुखल से इंतहाई बुढ़ापे से दिल की सख्ती और गफलत से मुफल जिल्लत और नादारी से पनाह मांगती हूँ मोहताजी और कुफ़र से नाफ़रमानी से मुखालफत और नफाक से बुरी शहरत और दिखावे से मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से रबना आते ना फ़िदुनिया हसन तिल आख़िरत हसन तना जामार आमीन सुमीन खुश रहें दूसरों को खुश रखें दूसरों का ख्याल रखेंगे तो खुद भी खुश रहेंगे इन शामक वरह वबरकू